मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार की गठन के बाद आज से बिहार विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। यह सत्र 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। कोविड-19 के संक्रमण के बीच आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में इस बार 105 सदस्य पहली बार विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। 5 दिनों के सत्र के दौरान विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष के पूरी तौर पर हमलावर रहने के जो कयास लगाए जा रहे थे उसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही कर दी। इसका नज़ारा सत्र के शुरू होने के पहले ही दिखना शुरू हो चुका है। सत्र का पहला 2 दिन सदस्यों के लिहाज से खास महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दौरान शपथ ग्रहण कर विधानमंडल की सदस्यता लेनी विधायकों की पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने सदस्यता के पहले ही विधानमंडल के गठन के पहले विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह विरोध गुलनास को इंसाफ दिलाने के लिए किया जा रहा था, जिसे छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया गया था। आज सदन के शुरू होने से पहले ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कहा कि पुलिस FIR दर्ज करने में कई दिनों तक लापरवाही बरतती रही और FIR पर मरने वाले के बयान के बावजूद अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। इनका आरोप था कि समय रहते ही पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो गुलनास को बचाया जा सकता था।